अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट हेल्थ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फटी हुई एड़ियों को नरम मुलायम करने और क्रैक्ड हील्स को मलाई की तरह सॉफ्ट करने के लिए एक बहुत ही आसान इफेक्टिव होम रेमेडी शेयर करूंगी। इस असरदार रेमेडी के इस्तेमाल से रातों रात आपकी फटी हुई एड़ियों के क्रैक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो आइए जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले पहुंच सके आप तक। तो फ्रेंड्स, इस हील क्रैक क्रीम को बनाने के लिए जो पहली चीज चाहिए वो है मोम। इसके लिए मिडिल साइज की मोमबत्ती ले लें और इसको क्रश कर लें। कुछ इस तरह क्रश करने के बाद इसको पैन में डाल लें। अब दूसरी चीज जो आपने इस पैन में ऐड करनी है वो है एलोवेरा जेल। मैं बाजारी जेल यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो एलोवेरा प्लांट को काट कर प्योर जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एलोवेरा जेल में शामिल करूंगी 1 टेबल स्पून। थर्ड इंग्रेडिएंट ऐड करूंगी मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल, ये भी शामिल करूंगी 2 टेबल स्पून। तीनों इंग्रेडिएंट्स को पैन में ऐड करने के बाद फोर्थ और लास्ट चीज में जो शामिल करूंगी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो है बीफ के गोश्त की चर्बी वाली बोटी। नाजिन, चर्बी की बोटी से दलियानी क्रीम बनाने का तरीका बहुत पुराना है। पुराने वक्तों में हमारे आबाई दाद चर्बी वाली क्रीम से क्रैक हील्स का ट्रीटमेंट बड़े ही आसान तरीके से मुकम्मल करते थे। तो इन बराबर फैट मीट को आपने कैसे यूज करना है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन पहले मोम, मस्टर्ड ऑयल और एलोवेरा जेल को हल्की आंच पर आहिस्ता आहिस्ता गर्म करें और साथ साथ चम्मच की मदद से हलाते रहें। जब तीनों इंग्रेडिएंट्स मेल्ट होकर अच्छी तरह यकजान हो जाएं तो इंच बराबर चर्बी के इस पीस को भी अलग-अलग हल्की आंच पर मेल्ट कर लें और इसको गरम गरम लिक्विड में शामिल कर लें। अब अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इस महलूल को गर्म हालत में ही किसी जार में उंडेल लें। 10 मिनट में ही ये लिक्विड जमकर क्रीम की हालत में आ जाएगा। अब रात को क्रैक हील्स को अच्छी तरह वॉश करने के बाद इस क्रीम से हील के क्रैक्स को फिल कर लें या आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथों से क्रैक हील्स का मसाज करें और अब किसी कपड़े से पाँव को ढांप लें। और अगर क्रैक ज्यादा है और सर्दी भी ज्यादा है तो आप पॉलिथीन से भी पाँव को कवर कर सकते हैं। रात भर ढांप कर रखने के बाद सुबह तक आपके पाँव के क्रैक्स बिल्कुल नरम मुलायम हो जाएंगे। एक हफ्ता कंटिन्यू रखें, आपके हील्स मलाई की तरह सॉफ्ट हो जाएंगे। आप इस क्रीम को 1 महीने महफूज कर सकते हैं। अगर आप या आपके घर में किसी की भी क्रैक हील्स हैं तो इस रेमेडी को जरूर इस्तेमाल करें, आपको बाजारी वैसलीन या क्रीम से 100 गुना बेहतर रिजल्ट मिलेगा। नाज़रीन, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। मजीद ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।